जाएंगे, मतलब आपके गाड़ी को ड्राइवर नहीं रहेगा, वो ऑपरेट होगी, सीट पे बैठ गए। मैंने अभी गाड़ी में बैठी थी तो सीट आवाज करने लगी, तो बाजू का ड्राइवर बोला मैडम आपका सेफ्टी बेल्ट नहीं लगा। जैसे उस सीट पे वजन पड़ता है तो चिल्लाने को शुरू करती है, मेरा सेफ्टी बेल्ट नहीं लगा। ऐसी चीजें आने जरूरी। वी आर गोइंग टू फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये मंदी नहीं है। निकाल दो मन से कि आप मंदी से जाने वाले हो या आप रिवॉल्यूशन से जाने वाले हो। खुद को टर्न कर दो कि इस रिवॉल्यूशन में ये जो औद्योगिक चेंजेस आएगा, जो बदलाव आएगा, उसमें आप कैसे टिके रहोगे। पढ़ाई अभी ऑनलाइन बहुत सी आ गई है, बहुत सारे कबूतर घंटे में बैठ के ऑफिस का काम कर रहे हैं, आज समझ रहे हो। ऑनलाइन मैं मेरे बच्चे को बहुत वही बोलती हूँ, कुठल तरी घंटा पसंद तुम्हें जॉब करना ऑनलाइन पे रहना। बहुत सारे लोग नेटिव प्लेस चले गए, एक अच्छे एनवायरमेंट में रह के ऑनलाइन पे जॉब कर रहे हैं। और जब 5G आएगा तो शहर में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कौन से भी कोने में बैठे हो, अगर आपका नेटवर्क सही है आप उधर से काम कर सकते। महीने दो महीने में मुंह दिखाई करने के लिए ऑफिस में आना पड़ेगा, वो भी नहीं करोगे तो भी चलेगा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने तीन तीन चार चार साल अपना ऑफिस देखा तक नहीं है, उनका ऑनलाइन पे अपॉइंटमेंट हो गया ऑनलाइन पे। वी आर गोइंग थ्रू फोर्थ रिवॉल्यूशन, मंदी नहीं है, ये बदलाव से जा रहे हैं और उस बदलाव को हमको को तैयार करना। तैयार हो जाएंगे, चेंजेस करेंगे। मैं कुछ अलग कुछ बोल नहीं रही हूँ, सिर्फ ये आपको पहले से ही तैयारी के लिए कर रही हूँ। ये एक सिर्फ ने इसकी तैयारी कब की है, 30 साल पहले। डॉक्टर ली इज अ ग्रेट विजनर कि उन्होंने 30 साल पहले ये सोच के रखा है। कितने लोग 30th एनिवर्सरी के लिए मलेशिया जाने का तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन में उतरे हैं कि नहीं, कितने लोग उतरे हैं? जाने वाले है, नहीं जाने वाले है तो वक्त बताएगा, लेकिन कॉम्पिटिशन में उतरे वाले कितने लोग हैं? हम भी तो है ना। इनको देखने नहीं जा रही, इज इन आर हार्ट, वहां पर मैं देखने जाने वाली हूँ। मिला यानी घड़ी से जहां पे क्या होगा, 30th एनिवर्सरी, भागीदार बनोगे या साक्षीदार? आईपीओ निकल आया है, IPL नहीं है, IPO। कितने लोगों ने भाग लिया है? 3.5 गुना ज्यादा इसके ऊपर वर्णन आ गया। क्या हुआ? IPO मिस हो गया, फर्स्ट हो गया, मिस हो गया, मिस हो गया, मिस हो गया उनका। कुछ प्रॉब्लम नहीं, देखो कितना पॉकेट को अच्छे से बढ़ा हो कि अभी 1400 का चीज 2800 या तो 400 में खरीदी करने तो तैयार करो, कोई रिस्क नहीं होता है। उस वक्त का रहता है, उस वक्त नहीं मिला तो बाद में तो ग्रीन है तो नहीं लेंगे, कुछ नहीं टेंशन। उन्होंने 30th एनिवर्सरी के लिए अपनी भागीदारी आपके लिए खुली की। साइबर व्हील RTSM इसका विजन देखो, उन्होंने कोरोना में ये साइबर विला खड़ा कर दिया, और किसके लिए खड़ा किया है? वुमेन के लिए खड़ा किया है क्या? अभी तो उन्होंने उनका जो कंपनी ऊपर का जो हक था वो भी आपके लिए ओपन कर दिया। तो जो साइबर विला है एक विजन है, आगे की तैयारी है, ये किसके लिए? आपके लिए और आपके आने वाली पीढ़ी के लिए। और ये जो विजन है वो डॉक्टर ये का बहुत बड़ा विजन है, और ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का एक महत्वपूर्ण काम है। क्योंकि यहाँ पे जो हैपनिंग्स होगी, मतलब हमने तो अभी एक प्राइस भी जीता है, और आगे जाके जब पूरा वर्ल्ड रैंकिंग होगा तो शायद हम 5 में आएंगे या तो प्रथम क्रमांक पे भी आ सकते हैं। तालियां होनी चाहिए। अगर ये बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, ये बड़ा साइंटिस्ट हमारे लिए ये सोच रहा है, तो हमारी सोच इसके लिए क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि अंदर जो डालोगे वही आपको बाहर में दिखाई देगा। अभी मैं आती हूँ कि ये जो
सब चीजें चलती है तो ये तो मैं खुद के लिए यूज करूंगी, मैंने मेरा तो निर्णय ले लिया। लेकिन मैं दूसरों के लिए जब अप्लाई करती हूँ तो लोग झिझक जाते हैं, अरे किसको कैसे बोलूं, बेचने को आई है क्या, लगता है ना किसी के सामने बोलेंगे अरे डीएसएम करती हूँ तो उसको लगता है, कोई कोई तो फोन लेना भी आपका छोड़ देता है, बहुत सारे फ्रेंड्स निकल जाते हैं, बहुत सारे रिलेटिव थप्पा मार देते हैं, अरे ये डीएसएम वाली हो गई आ गई तो कुछ तो आपको सेव करके करिए, आपको खुद को अपग्रेड करिएगा, क्योंकि ये जो अपडाउन है ना ये तो बहुत सारे लोगों के जीवन में आया है। प्रोडक्ट पोजिशनिंग डिफरेंट थी, आपको ये प्रोडक्ट किसी के हाथ में देना है, खुद को यूज कर दिए 100%, कितने लोग 100% यूजर है यहाँ पे, कंपनी के जो भी प्रोडक्ट है वो सब प्रोडक्ट आपके घर में होने चाहिए, आपने यूज किए होने चाहिए, क्योंकि अपना बच्चा अपने माँ बाप अपनी संपत्ति हम खुद नहीं यूज करेंगे तो कोई और भी हाथ नहीं लगाएगा, लगता है हाथ लगाएगा कोई नहीं लगाएगा। जब ये चीज को हमको दूसरे को प्रमोट करना है तो प्रोडक्ट प्रमोट मत करो, आप लोगों का कंज्यूमर बिहेवियर देखो, क्या देखना जरूरी है, कंज्यूमर बिहेवियर। पल्स पोलियो आया था मालूम है आपको, कितने लोगों को मालूम है कि पल्स पोलियो, पोलियो समझते, पोलियो आया था, पल्स पोलियो आया था, जब पल्स पोलियो आया ना तो WHO ने उसके लिए एम्बेसिडर किसको बनाया, अमिताभ जी को, कि अमिताभ को देखेंगे तब पल्स पोलियो के लिए सब दौड़ के चल के आएंगे। अमिताभ जी ने कहा था कि दो बुलबुल जिंदगी, बताए बहुत प्यार से उन्होंने कहा दो बुलबुल जिंदगी, 5 साल कोई भी नहीं आया, मेरे बच्चों को थोड़ी पोलियो हुआ है तो मैं जाके पिला दू, तो 5 साल पोलियो बूथ पे कोई पोलियो का डोज पिलाने के लिए बच्चे को नहीं लाया। इसके लिए WHO ने सोचना शुरू कर दिया, इतना बड़ा एक्टर, अमिताभ जी छोटे हैं क्या, इतना बड़ा एक्टर जिसको सब नमन करते हैं वो कह रहे हैं कि दो बुद्ध जिंदगी थे तो वो पल्स पोलियो पिला के जाओ, लेकिन कोई नहीं आ रहा। तो इन्होंने स्टडी करना शुरू कर दिया कि फ्री है, सबके पास घर तक जा रहे बूथ में जा रहे फिर भी कोई उसको पिलाने के लिए नहीं आ रहा। तब उनको पता चला कि जो डिसीजन मेकर है, अभी ध्यान दीजिएगा, जो डिसीजन मेकर है वो 50-55 की उम्र, और जो पिलाने वाला है वो 20-25 की उम्र में है, मतलब वो बच्चे की माँ, और जो पीने वाला है वो कितना उम्र है, 5 के नीचे का उम्र, इसका मतलब उसके हाथ में निर्णय नहीं है, न उस माँ के हाथ में निर्णय है जो वो घर की बहू है, निर्णय किसके हाथ में, जो सास ससुर माँ बाप उस घर के है, और उनका उम्र क्या है, 50-55। उन्होंने अमिताभ जी को कैसे देखा था, एक एंग्री मैन के हिसाब से कैसे देखा था, आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, ऐसा एंग्री मैन देखा था। तो 70-80 में जो अमिताभ बच्चन की पिक्चरें आया करती थी तब क्या कहते थे, आज भी वो फेंका हुआ पैसा नहीं उठाता, वो एंग्री मैन उन्होंने देखा था। और अमिताभ जी को बहुत प्यार से आप ही कह रहे हैं कि जीवन के दो दिन आप पिला दो तो उनके दिमाग में नहीं जाता। तब ये जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी बड़ी इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी को समझ में आया कंज्यूमर बिहेवियर, उन्होंने वही कैंपेन वही एड टीवी पे दोबारा चलाया और फिर कहा अरे तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या, अभी नहीं पिलाने के लिए तुमने जात भी बीच में डाल दी, भेजा है कि भिजवा दो। जब ये एडवर्टाइजिंग आया तो सब पोलियो बूथ फुल हो गए, वो दूध वाले को समझ में नहीं आ रहा था, अरे लाइन से बच्चे लेके माँ बाप दादी नानी सब बच्चे को लेके आ रहे हैं, बच्चे को लेके आ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि पहले 5 साल अमिताभ जी बोल रहे थे जीवन के दो बूंद आप नहीं पिला रहे थे, अभी क्यों आए, बोले मैं तो गुस्सा करती थी इसलिए। एक माइंड में रजिस्टर था कि ये एंग्री मैन है, ये इतना जेंटिल मैन कैसे हो। तो आपको जब कंज्यूमर के पास जाना है, आपके दोस्तों का आप भला चाहते हो, तो आपको कंज्यूमर बिहेवियर को समझना पड़ेगा।
ऐसे ही प्रोडक्ट सब उठा के लपका के नहीं दे सकते। एक प्रोडक्ट से शुरुआत कीजिएगा। दांत का प्रॉब्लम है उसको सिर्फ टूथपेस्ट ही बोलते हैं, फिर बोलेगा हाँ ये सब कर कुछ कुछ प्रोडक्ट है आ जाओ। उसको कुछ अलग प्रॉब्लम है वही चीज को उसको प्रमोट करो। सब उठा के लेके जाओगे तो बोलेगा तो मेरा पूरा किराना ही बदल गया है। और किसी को ये अच्छा नहीं लगता। कंज्यूमर बिहेवियर समझना सीख लो। आप उनका अच्छा चाहते, डब्ल्यू एच ओ चाहती थी अच्छा, वो जो बुल पिला रही थे फ्री था, फिर भी लोग नहीं आए क्योंकि जो आप प्रमोट करते हो और वो जो रजिस्टर करते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, जो अपनाते वो बहुत महत्वपूर्ण। कैडबरी नाम से सबने सुना, किसी ने सुना नहीं ऐसा है? कैडबरी, कैडबरी नाम सुना है? कैडबरी है, पता है ना कैडबरी? अच्छा लगता है, खाया है नहीं कैडबरी? कैडबरी जब मार्केट में आई थी 1980 के दरमियान, 78 के 80 के दरमियान, तब कैडबरी का 22% मार्केट था। मतलब बच्चे, एक बच्चा बड़ा हो गया तो दूसरा बच्चा का स्लॉट आता, वो बड़े हो गए दूसरा आता था। अगर वो बड़ा होके भी उसको स्वाद अच्छा लगे ना तो बोलते थे क्या अभी बच्चा नहीं रहा है, कैडबरी खाएगा क्या बच्चा है क्या? तो फिर बेचारा उसको स्वास्थ्य था फिर भी छोड़ देता था। अभी इसमें क्या हुआ, कैडबरी का मार्केट जो बढ़ना चाहिए वो स्टैग्नेंट हो गया, मतलब रुक गया, वो 22% भी रहा, वो आगे बढ़ा ही नहीं। अभी इनको समझ में आया कि हमारा मार्केट 22% नहीं है, हमारा मार्केट कितना है 100% है। उसमें से अभी बच्चों के बाद उन्होंने चाहा यूथ के लिए ये कैडबरी चॉकलेट, तो अभी सबको पसंद है, उस वक्त भी पसंद था लेकिन खाने के लिए जरूरत है। तो उन्होंने कैंपेन किया, एक एड किया, क्रिकेट के मैदान पे एक बच्ची एक लड़की नाच से वो आती है और क्या कहती है, एक क्या स्वाद है जिंदगी का, तालियां होनी चाहिए। उस वक्त उन्होंने मार्केट ओपन किया यूथ का, जवानों का। अभी चॉकलेट कौन खाएगा, बच्चे भी खाएंगे और जो जवान है वो भी वो चॉकलेट खाना शुरू कर दिए। उसके बाद बारी आई कि इनका मार्केट को 22% से 40-50% तक चढ़ गया। अभी जब उनको पता चला मार्केट और बढ़ाना है तो अभी इन्होंने क्या किया कि जो काम पे जाते हैं जो जवान है जो एक्टिव है तो उनके लिए उन्होंने एड कंपेयर किया कि शुभारंभ, कोई भी घर का अगर प्रवेश करते कोई भी अच्छी चीज आप शुरुआत करते हो तो उस वक्त क्या देना है आपको, कैटगरी देना है। मतलब कहा बच्चों से जवान तक अभी शुभारंभ। उसके बाद 2019-20 में मावा, मावा समझते मिठाई में मावा चलता है, तो उसकी गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी होने के बाद अभी इनको स्ट्राइक हुआ कि अभी लोगों को तो कुछ, मैं इनके घर पे जाऊंगी तो खाली हाथ नहीं जाऊंगी, अगर यजमान के पास जा रही हूँ मैं न्योता है तो मैं कुछ तो लेके जाऊंगी, लेकिन मिठाई अगर लेके जाऊंगी तो मैं शायद अच्छी मिठाई लेके नहीं जाऊँ, तो उनकी सेहत के हिसाब से मुझे टेंशन रहेगा कि ये मिठाई का दुकान अच्छा है कि नहीं, उनके बच्चे खाएंगे ये खाएंगे बुजुर्ग खाएंगे तो मैं मिठाई कैसे। उन्होंने एक और एड शुरू किया कुछ मीठा, अभी मार्केट क्या हो गया 100% कंज्यूमर बिहेवियर। ये क्यों मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर लीव ने तो प्लेटफॉर्म बना के दिया है लेकिन हमको उसको कैसे यूज करना है ये किसकी बारी है, हमारी बारी। इसको आप कैसे प्रेजेंट करते हो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, और किस किस लोगों तक पहुंचाते सब लोग आपके पास नहीं आएंगे, आप सोचो तब नहीं कि सब लोग आपके पास जुड़ेंगे, शायद आज जुड़ेंगे कल जुड़ेंगे परसों जुड़ेंगे, उनको वक्त दो, सही वक्त पर वो आपके साथ जुड़ेंगे, नहीं तो उनको अपना टाइम लेने के लिए टाइम दे दीजिए। जिलेट करके शेविंग क्या आता है मतलब जिलेट, जब जिलेट ने इसका स्टडी किया तो वो स्टडी उन्होंने यूएस के MIT में किया और भारतीय स्टूडेंट्स में किया। अभी घर तो वो अच्छा प्रोडक्ट चला और उनको लगा अभी पॉपुलेशन बढ़ा है तो प्रॉस्पेरिटी भी भारत में मिलेगी, तो
सकते हो। लेकिन जब उन्होंने भारत में वो प्रोडक्ट लाया तो पूरा फ्लॉप हो गया, पूरा मुंह के गिरे। इसलिए मुंह के गिरे क्योंकि जो प्रोडक्ट वो लाए थे वो इस हिसाब से लाए थे कि वो बहते पानी में यूज कर सके। जब वो भारत में आए तो देखा कि ज्यादा पैसा खर्च ना हो, इससे लोग दाढ़ी कब करते हैं, दो तीन दिन में करते हैं। और बहता पानी हमारे पास नहीं है, हम क्या कहते हैं, बैठ के मग में मिला के रेजर करते हैं, और वो भी नहीं है तो वो तोड़ के थोड़ा आधा आधा लगा के भी रेजर किया जाता। और उनको एक समझ में आया कि यूएस में, अमेरिका में क्या है, बाल पतले सॉफ्ट है, लेकिन जो इंडियंस के बाल है वो कड़क है। तो उनका पूरा प्रोडक्ट क्या हुआ, मार्केट में चला गया। तो इन्होंने रिवर्स प्रोडक्ट लिया और इसमें थोड़ा अलग चेंज करके लाया। उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट लाया वो जो मूड हो सकता, वो जो भारतीयों के लिए अच्छा सा हो सकता है। वो रिवर्स चेकिंग करके उन्होंने नया प्रोडक्ट लाया और आज देखोगे कि मार्केट में इनका जिलेट का मार्केट अच्छे से उठा गया। यानी कस्टमर को आपको समझना पड़ेगा, बिहेवियर को आपको समझना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट जो सही प्रोडक्ट है फिर भी उनके हिसाब से है कि नहीं, और उनको उस वक्त उसकी जरूरत है। उस हिसाब से अगर आपको उन तक पहुंचाओगे तो आपके लिए मार्केट भरा खुला हो जाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन जिधर भी चाहे आप मार्केट उठा सकते हो। प्रोडक्ट बहुत मजबूत है, बिजनेस प्लान अच्छा है, पीपल बिहाइंड द बिजनेस बहुत अच्छे हैं। जो प्लेटफॉर्म आज दिया है केवल केवल आदमियों के लिए नहीं, मैं कहूंगी ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इसमें जुड़ जाए, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट जो है, बेवरेज है, न्यूट्रिशन है, पर्सनल हाइजीन है, ये महिलाओं का डिसीजन रहता है। अगर आपको गहना बनाना है, साड़ी लेना है, तो छुटके छुटके से 10-20 रुपया बाजू में तो चने के डब्बे में, चावल के डब्बे में रख के घर भी आता है। और इन्फोसिस जैसा बड़ा बिजनेस भी खुलता है 10,000, जो इन्फोसिस में नारायण मूर्ति जी ने लगाए थे वो सुधा मूर्ति के चने के डब्बे से निकाले हुए 10,000 है, जो आज करोड़ों का बिजनेस चल रहा है। इसलिए मैं महिलाओं को जरूर बोलूंगी कि नारी के संवाद बिना हर बदलाव अधूरा है। अगर नारायण काम कर रहा है तो अष्टभुजा नारायणी भी उसके साथ जुड़ेगी, तो एक बड़ा बदलाव हम ला सकते हैं। और खुद के लिए सीमित मत रखिएगा, जहाँ पॉसिबल है वहाँ पे चेंजेस में उतर जाइएगा और एक अच्छा सा बिजनेस निर्माण कर सकते हो। देश सर ने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है, एजुकेशन सिस्टम दिया है, ट्रेनिंग सिस्टम दिया है, अच्छा स्टॉक पॉइंट दिया है, जहाँ पे प्रोडक्ट उपलब्ध है, क्वालिटी प्रोडक्ट, जहाँ पे हम पैसे देके आपको ये क्वालिटी वही मिलेगी जो यूएस में मिल रही है। मैं मजाक में कहती हूँ कि प्रभा देवी में बैठ के मैं अगर परेल में भी इसका डब्बा बेच जाए, या पर्थ जो ऑस्ट्रेलिया में उसमें भी बेच जाए, पनवेल में भी बेच जाए, या पालघर में भी बेच जाए, लेकिन प्रभा देवी में इसका मुझे पैसा आता है। इतना सिंपल नेटवर्क है, इतना सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है कि प्रभा देवी के मेरे अकाउंट में अगर किधर भी जगभर में ये चाय बेचती है तो मेरे अकाउंट में पैसा आता है। ताकि हम चाहिए है, मजबूती के प्रोडक्ट्स दिए है, मजबूती का बिजनेस प्लान दिया है, सिर्फ निर्णय किसका रहेगा, हमारा रहेगा। डॉक्टर लिम ने आपको कामगार से किस चीज से, ये आप पूरा दिमाग में आज डाल के जाइएगा। एक कामगार को भी कलाकार बनने का प्लेटफॉर्म डॉक्टर के लिए दिया। तालियां बजाइए। और ये प्लेटफॉर्म सभी को नहीं मिलता है। आपको लगता है ये सभी को मिलता है? सभी को नहीं मिलता है। उस नेता अभिनेता को भी पूछिएगा जो सम्मान के लिए ललक जाते हैं, कलाकार बनने के बाद तालियों के लिए ललक जाते हैं, चेंज करने के लिए उनके सिर्फ प्लेटफॉर्म सभी के लिए दिया है। आप गरीब हो, अमीर हो, जो भी हो, लेकिन आप बोल करो, आपके पास सपने हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये प्लेटफॉर्म सभी के लिए ले लेंगे ये प्लेटफॉर्म हम।
हासिल करेंगे। कथा सुनना चाहते हो कि मैं बैठ जाऊँ? कथा सुनना चाहते हैं? कितने लोग कथा सुनना चाहते हैं? चाहते इसका मतलब कथा सुनना चाहते। एक बार जब राम सेतु बन रहा था और राम जी लंका में जाके माँ सीता को लाने की कोशिश कर रहे थे, तब अगले दिन जब बैठक हुई तब वानर सेना ने कहा यहाँ पे हम क्या करेंगे, पत्थरों का पुल सजाएंगे और माँ सीता को आजाद करके अपने अस्तित्व की लड़ाई जीत ली। ये पारी बैठक की हो गई और उस बैठक के बाद रात को नींद नहीं आ रही थी राम जी को। प्रभु राम जी बहुत सोच में थे, अरे पत्थर लगा के सेतु बनाएंगे और माँ सीता को कैसे ले गया। तो टेंशन उस वक्त नारायण मानव जीवन में था, मानव शरीर में था, तो टेंशन होना तो सही है। भगवान मानव रूप में थे तो टेंशन स्ट्रेस डिप्रेशन तो होता ही है ना, सबके जीवन में होता है, इसी जी चलता रहता। तो उस वक्त उनको भी वो टेंशन था कि इसका पुल कैसे बनेगा। तो रात को नींद नहीं आ गई, कल सुबह से काम शुरू होने वाला था। तो वो समुद्र के नजदीक चले गए और देख रहे थे कि ये पुल कैसे बनेगा। उन्होंने देखा आजू बाजू में कोई नहीं है, तो उन्होंने चुपके से एक पत्थर उठा लिया और उसके ऊपर श्री राम लिख के उस पत्थर को पानी में छोड़ दिया। क्या था तय हुआ था कि राम श्री राम पत्थर पे लिखेंगे, पानी में पत्थर छोड़ देंगे, सेतु होगा, माँ सीता को छुड़ाएंगे और आजादी के लिए काम करेंगे। आपको क्या लगता है श्री राम लिखे और राम जी ने पत्थर छोड़ा तो पत्थर तैरा के डूब गया? डूब गए। आपको लगता है तैरने लगा? कितने लोगों को लगता है कि तैरने लगा? समय कोई आपको परसेंटेज मार्क्स या ऐसा कुछ नहीं देने लगा, तैरने लगा सब। आपको लगता है तैरने लगा? कितने लोगों को लगता है कि वो डूब गए? आपको लगता है डूब गए? उस वक्त आपको याद है जितने मंदिर गुरु के नहीं